तो आ जाएगा माइनस 0.064 जूल, ये आंसर होगा। क्लियर? एक हेडिंग यहां डाल देना बच्चों, ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट, हेडिंग डालिए ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट, ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। देखो बेटा, ये बार मैग्नेट है जो थ्रेड के हेल्प से सस्पेंडेड है, हंग है, इस तरह से लटका दिया गया इसको। ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ है और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एच है। इस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में ये बार मैग्नेट पैरेलल टू फील्ड स्टे कर रहा है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऑसिलेट कब करेगा? अगर इस बार मैग्नेट को थीटा रोटेशन देके छोड़ दे, अगर इसको थीटा रोटेशन देके छोड़ दे इस फील्ड में, तो ये बार मैग्नेट ऑसिलेट करने लगेगा रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट फील्ड के पैरेलल है तो ये रेस्ट में होगा। अगर इसको हॉरिजॉन्टल फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है, अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दे ऐसे, तो ये छोड़ने पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, अपने मेन पोजीशन के अबाउट ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। ठीक है, कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा इस पे? इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा माइनस mh साइन थीटा। टॉर्क अगर पॉजिटिव है तो टॉर्क है, और अगर नेगेटिव है तो रिस्टोरिंग टॉर्क है रोटेशनल मोशन में। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला I इंटू अल्फा होता है, और इसको हम mh थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल थीटा। फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, मालूम है ना भाई? अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो साइन थीटा को हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। टॉर्क I अल्फा, रोटेशनल मोशन का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला I अल्फा। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा mh थीटा। इसके बाद हम लिख सकते हैं बच्चों अल्फा क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं माइनस mh अपॉन I मल्टीप्लाइड बाई थीटा। इस लाइन के बाद ये वाली लाइन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू माइनस mh अपॉन I इंटू थीटा। ठीक, और ये इक्वेशन किसका है? ये एक्सेलरेशन किसका है? एंगुलर SHM का। SHM में तुम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो उसका एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन जो है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पढ़ा है SHM में? Yes. अगर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोगों ने डेरिवेशन की थी। यहां पे अल्फा की वैल्यू ये है, अगर इसको मैं इस वैल्यू से कंपेयर कर दूं, इसको कंपेयर कर दूं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एसएचएम के फार्मूले से, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? अगर इस अल्फा को इससे कंपेयर करें तो ओमेगा कितना आएगा? अंडर रूट एमएच अपॉन आई। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। और ओमेगा तुम जानते हो बच्चों 2π/T होता है। क्या होता है? 2π/T। तो इस ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? यहां से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट कितना आएगा? 2π अंडर रूट I/mh। ये ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो बेटा।
डन बेटा, नोटेड। अच्छा यहां एक चीज ये बताओ आप लोग कि आई क्या है। आई आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट अपने मिन अपने ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। देखो ऐसे, ये अपने ऐसे बीच वाले पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? अगर ये बार मैग्नेट है और ये अपने मिड पॉइंट के बीच अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी मूवमेंट, इस रोटेशनल मोशन में इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या बताया था मैंने? ml स्क्वायर बाई 12। क्या बताया था? ml स्क्वायर बाई 12। तो अगर ये बार मैग्नेट एक रॉड है m मास का, तो इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी सेंटर के अबाउट? ऐसे ml स्क्वायर बाई 12। और अगर एंड के अबाउट ऑसिलेट करे तो ml स्क्वायर बाई 3 होती है ना। तो यहां पे आप लिख लीजिए कि इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल M हियर, कैपिटल सॉरी हियर कैपिटल I मोमेंट ऑफ इनर्सिया स्मॉल ml स्क्वायर बाई 12, जहां स्मॉल m बार मैग्नेट का मास है, जहां स्मॉल m बार मैग्नेट का मास है, कैपिटल M बार मैग्नेट का मूवमेंट है और स्मॉल m बार मैग्नेट का मास है। इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है, आज इतना रखते हैं।